शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये आजकल काफी फैशन चला हुआ है, ये बॉडी पे टैटू लगवाने का। हजारों तरह के टैटू हैं, फिर भी टैटू को देख के कुछ तो पता चल ही जाता है कि ये आदमी किस तरह का हो। अच्छा, जब आदमी टैटू बनवाने जाता है तो न जाने कहां से आदमी के अंदर एक दूसरी तरह का आदमी निकल के बाहर आता है। जी हाँ, ये उसके अंदर छिपी हुई एक पर्सनालिटी है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। ये पर्सनालिटी बताती है आदमी को कि इस तरह का टैटू लगवाओ, दुनिया से एकदम अलग दिखेगा। ऐसा ही होता था, जब हमें कोई लाश मिलती है तो हम भी उसके शरीर पर लगे हुए टैटू से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आदमी के शरीर में कहीं पे भी टैटू बना हो तो समझो ये एक तरह का सुराग ही है। हाँ, वैसे ज्यादातर तो नाम लिखा होता है हाथों पे, या फिर आदमी के धर्म का कोई निशान। अब इस केस में हमें जो लाश मिली और उसने क्या क्या बताया, आप खुद ही देखो। यस डूड, कहो क्या चाहिए? टैटू बनाते हो ना, बाजी खरीदने थोड़ी आऊंगा। बिल्कुल डूड, बिल्कुल। तो कहो कैसा डिजाइन बनाओगे? आई मीन इस किताब में कई सारे डिजाइन हैं। कोई डिजाइन नहीं चाहिए। डिजाइन नहीं चाहिए तो फिर क्या बनाऊं डूड? नाम लिखवाना है हाथ पर। नाम? किसका नाम? सारा। सारा बहुत ही अच्छा नाम है सारा। चलो। दर्द होगा डूड, सह लेना, ज्यादा नहीं। डूड, वैसे ये सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? नहीं। तो फिर क्या है? सारा वो लड़की है जिसका बहुत जल्द मैं खून करने वाला हूं। क्या? अब देख तू, मैं कैसे रोनाल्डो जैसे मारता हूँ। ये ले। ओह नो, राघव, ये तूने क्या कर दिया? लगता हम लोग काम से गए। जा, अब अंदर जाकर बॉल लेकर आ। मैं अकेले? नहीं नहीं, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। क्या तू अंदर जाने को क्या डरता है? मैंने सुना है ना, इस घर में भूत है। क्या भूत? अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो हमसे मिलकर बॉल लाते हैं। अरे यार, ये घर तो बहुत डरावना है। मुझे लगता है यह भूत और चुड़ैल है। अरे तुम लोग इतना डर रहे क्यों? चलो बॉल ढूंढो। क्या हुआ? बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वो रही बॉल।
बदबू है। लगता है लाश को यहाँ पड़े 8-10 दिन हुए। चेहरा भी बिल्कुल सड़ गया है सर। सर, इसके कपड़ों के ऊपर से उंगलियों के निशान मिल सकते हैं खूनी के। लड़की का पर्स? शायद इसमें से कोई एड्रेस वगैरह मिल जाए इसका। क्रेडिट कार्ड, पैसे, सब ऐसे का वैसे ही है। खून लूटने के लिए नहीं किया कैसे? दया, आजकल इन जवान लड़कियों का खून प्यार मोहब्बत के चक्कर में ही होता है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है लड़की का, सारा नाम है इसका, सारा। इसकी लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो और हम इसके घर वालों को जाकर खबर करते हैं। अब यूं मुंह लटका के बैठने से क्या फायदा भैया? मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की को ज्यादा शह मत दो। अब देख लिया ना अंजाम। बुआ प्लीज, पापा ऑलरेडी काफी टेंशन में हैं। ऐसी बातें करके उन्हें और टेंशन मत दीजिए। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि सारा ऐसा कर सकती है। थोड़ी गलती तो हमारी भी है ना पापा, अगर दीदी को प्यार से समझाते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मैंने जो किया ठीक किया, अगर उसे हमारी परवाह नहीं तो फिर ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। लेकिन बुआ, अगर बाहर किसी को पता चल गया तो हमारी काफी बदनामी होगी। काका, जरा देखना कौन आया है। जी, सीआईडी। घर का मालिक कौन? साहब, सीआईडी वाले आए हैं। CID? ये घर आपका? जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है, लेकिन आप लोग यहाँ? आप जरा ये देखिए, इसे पहचानते हैं आप? इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये ड्राइविंग लाइसेंस तो सारा दीदी की है, लेकिन आप लोगों को कहाँ मिला? लाश के पास है। क्या? देखिए, हमें एक लाश मिली है एक लड़की की, और उसी लाश के पास लाइसेंस भी। लाओ। संभाली अपने आप को। और एक दुपट्टा भी मिला। तुम इस दुपट्टे को पहचानती हो? ये तो वही वाला दुपट्टा जो दीदी अपने सगाई वाले दिन पहनने वाली थी। भगवान, ये सब क्या हो? इतनी बड़ी सजा। संभालिए अपने आप को, संभालिए प्लीज। तो आप क्या कह रही थी इस दुपट्टे के बारे में? ये दुपट्टा सारा दीदी अपने सगाई वाले दिन पहनने वाली थी, लेकिन क्या? सगाई वाले दिन दीदी घर से भाग गई। क्या? घर से भाग गई थी? हाँ, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि समाज में हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। आप लोगों को सिर्फ अपनी बदनामी की पड़ी है, किसी को दीदी की खुशियों की नहीं पड़ी। मगर घर छोड़ के भागी वो? क्योंकि वो मुझसे नहीं बल्कि अरमान से शादी करना चाहती थी, और मैं यही चाहता था कि वो राजीव से शादी करे। ओह, आई सी। मतलब अपनी सगाई के दिन वो अरमान के साथ भाग गई। हाँ, जरूर उस अरमान ने ही मारा होगा सारा को। मगर अरमान तो प्यार करता था ना सारा से, तो फिर वो उसे क्यों मारेगा? दरअसल 4 महीने पहले सिद्धार्थ अंकल और अरमान के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बस, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, सारा की शादी अरमान से कभी नहीं हो सकती। पापा प्लीज, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अरमान से। पापा मान जाइए ना, दीदी अरमान से प्यार करती है तो। चुप, तू बीच में मत बोल। तेरी दीदी अगर राह चलते भिखारी के साथ शादी करना चाहेगी तो क्या हम हाँ कर देंगे?
देखिए अब आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती? अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। अरमान, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो पापा को। अरमान छोड़ दो पापा। तुम होश में नहीं हो अभी। देख लूंगा, देख लूंगा। कुछ भी कर लो, मार डालूंगा मैं तुझे। अरमान, ये क्या कर रहे हो? वो मेरे पापा हैं। और मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? अरमान निकल जाओ यहाँ से। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। देख लेना। इसलिए शायद सारा दीदी का खून करके हमसे अपना बदला पूरा कर लिया। तो ये बात है। सारा की लाश देख सकते हैं? लाश का चेहरा बुरी तरह खराब हो गया है, पहचान में नहीं आ रही है लाश। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लाश किसी और की हो, सारा दीदी की नहीं? हाँ, हो तो सकता है। और इसीलिए हम आपका डीएनए टेस्ट करना चाहते हैं, लाश के साथ मैच करने के लिए। मेरा डीएनए टेस्ट? हाँ, बेटी है ना आपकी? असल में सारा मेरी असली बेटी नहीं है, मेरी सौतेली बेटी। ओह, सौतेली बेटी। लेकिन पापा ने कभी उसे इस बात का एहसास होने नहीं दिया। जितना प्यार वो मुझसे करते थे, उतना ही प्यार उससे भी। तो फिर हम इनका डीएनए ले लेते हैं। मेरा डीएनए? पर मैं तो इनकी बहन हूँ और वो भी सगी। कोई बात नहीं, तो फिर सारा का कोई फोटो तो होगा आप लोगों के पास? एक मिनट सर। और हाँ, इस अरमान का फोन नंबर और एड्रेस भी चाहिए हमें। ये लीजिए तस्वीर डॉक्टर साहब, और देख के बताइए कि ये लाश इस तस्वीर वाली लड़की की है कि नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन नहीं रहे? ये भाई साहब मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ सर, बात तो शायद आप ही से कर रहे हैं। तो मेरी निगाहें कहीं और थी ना साहब की, इसलिए। अब देखें। बॉस, इस लड़की का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगड़ गया है कि पूरा चेहरा दोबारा से बनाना पड़ा। और कितना टाइम लगेगा सर चेहरा बनाने में? यार फ्रेडरी, थोड़ा सब्र करना सीखो यार। देखो, एक बात समझ लो अच्छी तरह से, चेहरा बिगाड़ना बहुत आसान है लेकिन चेहरा बनाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं होगी, 20-25 साल की होगी। पर इसकी मौत हुई कैसे? गला घोट कर मारा है किसी। गला घोट कर? जी, ये देखिए, गला इतना जोर से दबाया किसी ने कि हड्डियां भी टूट गई। अच्छा, ये मौत कितने दिन पहले हुई होगी? करीबन 10 पहले। लो बस, बन गया चेहरा। अच्छा, देखे ना जरा, ये तो वही है तस्वीर वाली। मतलब ये लाश सारा की है। सगाई वाले दिन ये घर से भागी और किसी ने इसका खून कर दिया। खून शायद अरमान ने ही किया होगा, इसने अरमान को थप्पड़ मारा था ना। अगर लड़की ने अरमान को थप्पड़ मारा है तो अपने सगाई वाले दिन वो उसके साथ भागी क्यों? अब ये तो अरमान से ही पूछना पड़ेगा। ये लोग भी ना ऐसी उल्टी सीधी जमीन बना देते हैं, सोचते भी नहीं किसी को चोट लगे तो। सर, आसमान जमीन भगवान ने बनाया, लोगों ने नहीं। तो आपने आपको ज्यादा होशियार मत समझ, उठा मुझे, उठा चल। अभिजीत सर, यहाँ वो देखो, अगल बगल में घास है लेकिन यहाँ उबड़ खाबड़ जमीन, ऐसा लगता है ये मिट्टी खोदी गई है। सर, अरे घर तो बंद है सर, लगता है अरमान घर में नहीं। घर में नहीं है? अरे जमीन को देखो, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, जरा इसे खोद के देखो। सर, ये देखिए सर। माय गॉड, लगता है जमीन में किसी की लाश कटी है। निकालो, जल्दी से बाहर निकालो इसे, संभल के लेके, संभल के। पूरा
खराब हो गया है सर। सर हाँ ये देखिए, शायद इसी से मारा गया उसे सर। मगर सर ये लाश है किसकी? कहीं ये लाश अरमान की तो नहीं? बस इस आदमी को मरे हुए करीब 2 हफ्ते हो गए। मतलब इसका खून सारा से पहले हुआ है? अगर ये अरमान है और इसका खून सारा से पहले हुआ है तो फिर सारा को किसने मारा? डॉक्टर साहब क्या आप इसका चेहरा दोबारा नहीं बना सकते जिससे हम इसे पहचान सके? नहीं भैया, इसका चेहरा देखो, इतनी बुरी तरह से सड़ गया है कि आपको चांस नहीं है। सर इसके जेब से कुछ मिला है, ये देखिए। वाह डॉक्टर तारिका, कुछ तो ढूंढ निकाला। लेकिन क्या है? क्या हो सकता है सर? हाँ फ्रेडी। सर ये है वो अरमान। अरमान? ऐसा ये अरमान नहीं है, ये अरमान का दोस्त है सर, साहिल। तू मुझसे हमेशा एक कदम आगे चलता रहता है। अरे मैं भी तो यही कहने वाला था। सर ये कुछ सामान है जो हमें अरमान के घर में से मिला है सर, इसमें से ये फोटोज अरमान, सारा और राजीव की भी सर। अच्छा, ये आप कब से जानते हैं अरमान को? यही कोई 5 सालों से। और सारा? वो तो अरमान की गर्लफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। चाहते हैं नहीं, चाहते थे। मतलब सारा मर चुकी है और शायद अरमान भी मारा जा चुका है। लेकिन अरमान कैसे मर सकता है, वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही नहीं मतलब? मतलब कि वो बिजनेस के किसी काम से 3-4 महीने पहले लंदन गया है और वो अब तक वहां से वापस नहीं आया। क्या? अरमान लंदन में है? हाँ, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ये लाश अरमान की नहीं, ये किसी और की लाश है। साहिल ऐसा कोई निशान है जिससे हमें ये पता चल सके कि ये लाश अरमान की नहीं है किसी और की? निशानी? हाँ, उसके दाहिने हाथ पे एक टैटू है। टैटू? कौन सा टैटू? सारा का नाम लिखा है उसके दाहिने हाथ पे। सारा का नाम? डॉक्टर साहब जरा देखिए तो जरा। इसके हाथ की ऊपर की खाल तो पूरी तरह से गल गई है, देखते हैं इसके अंदर की खाल में कुछ लिखा हुआ है क्या। तारिका यार अभिजीत, इसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ तो है, ये देखो जरा दिखाइए तो। एक मिनट, ये देखो। सारा का नाम लिखा हुआ है, मतलब ये लाश अरमान की है? अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना अरमान लंदन में है। अगर वो लंदन में है तो ये कौन है जिसकी लाश यहाँ पड़ी हमारे सामने है? वो सब मुझे नहीं पता, पर आप अगर चाहें तो अरमान के ऑफिस जाके पूछ सकते हैं कि वो लंदन में है या नहीं। देखिए मिस्टर सुभाष, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि डिलीवरी 2 तारीख को होगी, कल नहीं हो सकती। मिस्टर सुभाष आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखिए मिस्टर सुभाष, मैं कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। एक मिनट जी, कहिए। हम लोग CID से। CID? मैं बाद में बात करता हूँ, बाद में। जी हाँ सर, कहिए। अरमान को जानते हो? अरमान? जी हाँ सर, मेरी ही तो कंपनी में काम करता था वो। काम करता था मतलब? दरअसल सर ऑफिस के कुछ काम के लिए हमने उसे लंदन भेजा था, पर 4 महीने हो गए ना तो वो वापिस आया और ना ही उसकी कोई खबर। शायद उसका काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? अरे नहीं सर, सिर्फ 3 दिन का काम था, पता नहीं उसे इतना वक्त कैसे लग गया। क्या 3 दिन के 4 महीने हो गए, वो आदमी अभी तक वापस नहीं आया और तुम लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की वो कहां गया? अरे सर पता करूं तो कहां पता करूं, जिस होटल में वो ठहरने वाला था वो होटल उसने ठीक 3 दिन बाद ही छोड़ दिया था। होटल उसने 3 दिन पहले ही छोड़ दिया था? बड़ी अजीब बात है सर, अरमान आके गया तो गया कहां फिर? मतलब सर अरमान मर चुका है और वो लाश अरमान की है। क्या लाश? जी हाँ लाश, देखो हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश अरमान की ही है। सर क्या मैं एक बार वो लाश देख सकता हूँ? उस लाश का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। एक काम करो, हमें उस लंदन वाले होटल का नंबर दे दो, वहां जाकर पता लगाना होगा कि ये अरमान उस होटल में ठहरा था या नहीं।
और विवेक तुम और फ्रेडिक्स एयरपोर्ट जाओ और पता करो, देखो ये अरमान हिंदुस्तान लौटा है क्या। यस सर। देखिए मैडम, मैं आपको बता बता के थक गया हूँ कि आपका सामान अभी तक लंदन से वापस नहीं आया है। अरे लेकिन आखिर ऐसा क्या जरूरी सामान था उसमें? क्या मेकअप बॉक्स? यार विवेक, ये लंदन वाले सामान क्यों नहीं भेज रहे पैसेंजर्स का? पता नहीं सर। मुझे पता है, वहां के लोग काफी आलसी है, मेरे जैसे चुस्त और फुर्तीले नहीं है, समझे? करेक्ट सर। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। ये लंदन एयरपोर्ट वाले बड़े ही ढीले हैं, उन्होंने अभी तक सामान नहीं भेजा पैसेंजर्स का। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार देरी हो जाती है। खैर, हम यहाँ लंदन एयरपोर्ट के बारे में नहीं, अरमान के बारे में पूछने आए। लेकिन आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? अब हमें ये बताओ कि क्या ये आदमी 2 जुलाई को लंदन गया था यहाँ से? ये उसकी डिटेल्स। अरमान? हाँ सर, 2 जुलाई को ये आदमी लंदन गया था। ये वापस कब लौटा? अब तक तो हिंदुस्तान वापस लौटा नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सर, अगर अरमान अभी भी लंदन में ही है तो फिर वो लाश किसकी हो सकती है? यस डॉक्टर तारिका, कुछ पता चला उस टुकड़े के बारे में? एक्सक्यूज मी, अभिजीत साहब, ये सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए। अब सवाल किसी से भी पूछे डॉक्टर साहब, लेकिन वो टुकड़ा ढूंढा तो डॉक्टर तारिका नहीं है, लाश की जेब में से। फ्रेडरी, इसे बोल दो। अरे रे रे रे, डॉक्टर साहब, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हमने पूछा तो आप ही से है ना, इस टुकड़े के बारे में। सर, अब तो बता दीजिए, वो हड्डी किसकी है? फ्रेडरी, वो हड्डी वड्डी नहीं है, वो एक स्मोकिंग पाइप का टुकड़ा है। स्मोकिंग पाइप का? स्मोकिंग पाइप? हाँ, तंबाकू भी मिला उस पाइप के टुकड़े में से। इसका मतलब ये टुकड़ा या तो अरमान का होगा या फिर मारने वाले का। सिद्धार्थ? हाँ सर, वो पाइप पीता तो है। इसका मतलब सिद्धार्थ ने मारा अरमान को। Excuse me. Yes, sir. How may I help you? देखिए, हम लोग CID से, from Mumbai, India. हम यहाँ एक केस की तहकीकात करने आए हैं. We are here to investigate a case. आप इसे पहचानती? Do you recognize this man? इसका नाम अरमान है. अरमान. That's right. हमारे ख्याल से ये आदमी इस होटल में ठहरा हुआ था 3 और 5 जुलाई के बीच में, between 3rd and 5th of July. Yes, you're right. He did stay here. मतलब अरमान यहाँ ठहरा तो था सर। वो यहाँ से कहाँ गया? Where did he go from here? That I don't know. अच्छा, उसने यहाँ से कार या टैक्सी ली थी? Did he hire a cab or something? Let me check. Yes, he did hire a taxi. Good. तो क्या आप उस टैक्सी ड्राइवर को बुला सकती हैं? Can you call the driver? Driver? One minute. Paul, please send Mark to the reception. He's coming. Thanks. शायद टैक्सी ड्राइवर हमें बता सकेगा कि ये अरमान यहाँ से गया कहाँ? Yes, Sandra. Mark, this is the police from CID. They want to ask you something. Yes. साधु को पहचानते हो? अरमान नाम है इसका. Yes, sir. I remember this man. He is Indian, right? Yes, he is from India. कहाँ छोड़ा था इसे? Where did you drop him? I dropped him at 6 Estate Haslane, London, outside the hospital. Hospital? Which hospital? He went to the Medicare hospital. Medicare hospital? लेकिन ये अरमान हॉस्पिटल गया क्यों? ये सब क्या बकवास है? किसी ने मेरी बेटी का खून कर दिया है और खूनी को ढूंढने की बजाय उल्टा आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे? देखिए, आप लोगों को जरूर गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है।
ठोस सबूत है हमारे पास। सबूत? कैसा सबूत? जरा आप इसे देखिए, पहचानते हो इसे? शायद आप ही का है। ये हमें अरमान की लाश के पास से मिला है। ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है तो फिर किसका है? अरे कमाल करते हैं आप, इस दुनिया में लाखों लोग पाइप पीते होंगे, अब किसी का भी हो सकता है ये। अभी पता चल जाएगा। इस घर की तलाशी लो जरा, देखो इसका दूसरा टुकड़ा अभी भी यहीं कहीं रखा होगा। सर ये देखिए, टुकड़ा मिल गया। रेडी? क्या मिस्टर सिद्धार्थ, क्या कहना है आप? देखिए सर, अरमान को मैंने नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है? नफरत करते थे आप अरमान से, क्योंकि सारा अरमान से शादी करना चाहती थी, इसलिए तुमने खेल खत्म कर दिया उसका। और सर जब सारा को पता चल गया होगा तो इन्होंने उसका भी खून कर दिया। बस कीजिए आप लोग। सारा बेटी थी मेरी। हेलो मैम। यस प्लीज। सीआईडी मुंबई इंडिया। सीआईडी, व्हाट इज द मैटर? क्या आपने इस आदमी को देखा है? इसका नाम अरमान है। Did he come here 4 months back? Armaan, right? Right. Oh no. How this can be? What's the matter? Kya hua? Only Armaan's photograph is there. His details are not there in the computer. Kya? Sirf Armaan ka photo hai? Details nahi hai uski? No. Armaan ki photo hai magar details nahi hai. मगर सर एक बात तो साफ है, ये अरमान यहाँ अपना इलाज कराने ही आया था, तभी तो उसकी फोटो है यहाँ कंप्यूटर में। हाँ मगर उसकी डिटेल्स गायब कैसे हो गई? यहाँ और कोई है जो अरमान को जानता? आई मीन समवन एल्स मस्ट बी नोइंग हिम। वन मिनट, देयर इज वन इंडियन एम्प्लॉई हियर। गुड। अजीत प्लीज कम टू द रिसेप्शन। देख समझ में नहीं आता इस अरमान के साथ आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल आना पड़ा। हाँ सर, उसके सब डिटेल्स भी गायब है यहाँ कंप्यूटर में से। ये जरूर कोई बहुत टेढ़ा चक्कर है सर। यस मैम। अजीत टॉक टू हिम। यस। क्या आपने इस आदमी को देखा है? नहीं सर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। आपको कुछ भी याद नहीं? नहीं सर। पर किसी को तो याद होगा ना, जरा अपने स्टाफ से पूछिए। 2 महीने पहले हमारा पूरा स्टाफ चेंज हो गया। क्या 2 महीने पहले पूरा स्टाफ चेंज हो गया? यस सर। ठीक है आप जा सकते हैं। थैंक्स। थैंक यू सर। अगर ये अरमान हिंदुस्तान वापस नहीं गया तो फिर गया कहां? आदर, सर लंदन पुलिस से बात हो गई है, जैसे ही अरमान के बारे में कुछ भी पता चलेगा वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। सर मुझे लगता है कि अरमान कैसे भी करके इंडिया वापस आ गया और फिर मिस्टर सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से उसका खून कर दिया। अरे पर मैं अरमान को क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि उसकी शादी तुम्हारी बेटी सारा से हो। वो तो वैसे भी नहीं होती। देखिए सर, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, अरमान का खून मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा है? ये मत भूलो कि अरमान की लाश के पास से हमें तुम्हारा स्मोकिंग पाइप मिला है। हेलो सीआईडी ब्यूरो। हाँ अरमान के बारे में बताइए। ओके, आपको पूरा यकीन है? ओके, थैंक यू सो मच। या क्या हुआ? सर लंदन पुलिस का फोन है, वो कह रहे हैं कि अरमान लंदन में है ही नहीं। और लंदन में होगा भी कैसे, उसकी लाश तो यहाँ पर पड़ी है हमारे सामने। देखो सिद्धार्थ, सच सच बताओ, तुमने अरमान का फोन कैसे किया? हाँ नहीं तो हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके, समझे? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने अरमान को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? अभी दया इस
तस्वीर को गौर से देखो, देखो इसके चेहरे पर काफी बारीक बारीक धुंधले से निशान है। अभिजीत, इसे फॉरेंसिक ले जाओ, सड़के के पास देखो कुछ निकल रहा है क्या। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो तुम्हारे एसीपी साहब को इस फोटोग्राफ में कुछ गड़बड़ नजर आती, राइट? अभी चेक करते तारिका। ये क्या, ये निशान कैसे डॉक्टर साहब? ये बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तारिका से पूछिए। सर प्लीज, वो पूछ रहे तो उन्हें बता दीजिए ना। हाँ अच्छा अच्छा, नौबत यहाँ तक आ चुकी है। गुड, मैं बताता हूँ आपको अभिजीत साहब। ऐसे निशान आदमी के चेहरे पर तब बनते हैं जब आदमी अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता है। मतलब राजीव प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाला था? लेकिन क्यों? ये तो राजीव ही बता सकता है। मुझे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। लेट्स गो। ये तो हिमानी की आवाज है, लगता उसकी जान खतरे में। माने, दरवाजा खोलो। हिमानी दरवाजा खोलो। छोड़ दो। दे, दे दरवाजा तोड़। हिमानी तुम ठीक तो हो? प्लीज मुझे बचा लीजिए, राजीव मुझे मारना चाहता है। किसी ने सारा दीदी का खून किया है। राजीव नहीं है ये, अरमान है। अरमान सब बकवास है। ये क्या, ये आप क्या कह रहे? अरमान तो मर चुका है ना? अरमान मरा नहीं है, जिंदा है, वो भी राजीव के भेष में। क्या बकवास है ये? राजीव के भेष में? मैं कुछ समझी नहीं। अरमान ने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और तुम लोगों के घर में घुस गया राजीव बनकर। अगर ये अरमान है तो फिर राजीव कहाँ है? जो लाश हमें मिली शायद वो राजीव की है। अरमान ने उसका खून कर दिया और दुनिया को गुमराह करने के लिए उसने उसके हाथ पे सारा के नाम का टैटू भी बना दिया, ताकि दुनिया को पता चले कि अरमान मर चुका है। हाँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठोकरी उड़ा दूंगी तुम्हारी CID ऑफिसर की। बहुत अक्लमंद और होशियार समझते ना तुम CID वाले अपने आप को। राजीव उस अरमान की हकीकत मुझे बहुत पहले से ही पता थी। अगर पहले से ही पता था तो फिर इतना नाटक क्यों किया? तुम भी कमाल करते हो इसमें, हाँ? बच्चों से सवाल कर रहे हो। अगर इस बिचारी ने ये सब नहीं किया होता तो फिर हम यहाँ से भाग कर कैसे निकलते? देखो अब होशियारी नहीं भरना। सारी की सारी गोलियां इसके खोपड़ी के अंदर। कोई होशियारी नहीं। जल्दी जल्दी देखो, लवण्य को छोड़ दो। जरूर छोड़ेंगे ऑफिसर, लेकिन हमारे जाने के बाद। चल, तुम CID वालों से ज्यादा दूर भाग नहीं सकते। ACP साहब, मुझे पता है कि आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हमारा पीछा करने का ना। अच्छे बच्चे पेट्रोल बर्बाद नहीं करते। चल आओ, आओ। क्यों किया तुमने ये सब? पैसों के लिए। पैसों के लिए?
अरमान और मैं एक दूसरे से प्यार करते और शादी करना चाहते थे। मगर तुम तो सारा से प्यार करते थे ना? वो एक नाटक था। असली प्यार तो मैं हमेशा मन से करता था। फिर ये सारा बीच में कहाँ से? सारी जायदाद और दौलत पापा ने सारा के नाम कर दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि सारा की शादी मैं अरमान से करा दूंगी ताकि अरमान पूरी जायदाद का मालिक बन जाए। और फिर सारा को मार के हम मेहमानी से शादी कर लेता। मगर पूरे प्लान पर पानी फिर गया जब पापा ने जिद पकड़ ली कि वो सारा की शादी अरमान से नहीं बल्कि राजीव से करवाएंगे। इसलिए तुम लोगों ने राजीव का खून कर दिया, फिर तुम लंदन गए ताकि वहां प्लास्टिक सर्जरी करवा के तुम राजीव का चेहरा ले सको। क्यों? अगर इतनी प्लानिंग की थी तो फिर शादी से पहले क्यों मारा सारा? क्योंकि सारा को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसे मारना जरूरी था। नहीं आई तू चंद पैसों के लिए अपनी बहन की जान देने से पहले? कम से कम पापा को शर्म नहीं है, मैं उनकी सगी बेटी हूं, उनका अपना खून। लेकिन उन्होंने हमेशा हमेशा सारा को मुझसे बढ़कर समझा, सारी जायदाद उसके नाम कर दी। क्यों? अपने सौतेले इन सबसे बढ़कर भी दुनिया में एक चीज होती है, इंसानियत। लेकिन ये तुम जैसे खूनियों को समझ में नहीं आए। अब जेल में बैठकर हर रोज अपना चेहरा बदलते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक।